हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेक एनीथिंग पर। आज हम शीर कुरमा बना के तैयार करेंगे। इसको बनाना बहुत ही इजी है, झटपट बन के तैयार हो जाता है और खाने में बेहद टेस्टी बनता है। ईद के मौके पर लगभग सभी घरों में ये रेसिपी बनाई जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे। घी को हल्का गरम कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें सेवियां डाल के भून लेंगे। सेवियों का साइज आप पतला भी ले सकते हो और मोटा भी ले सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेवियां ले लेंगे। सभी तरीके की सेवियों से बनाई जा सकती है ये, और इनको हम हल्का चलाते हुए भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। और इसके साथ ही हम दूध को, फुल क्रीम दूध लेंगे, उसको उबलने के लिए रख देंगे ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। उबल उबल के स्टार्टिंग में ही हम दूध को उबलने के लिए रख देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि वो ठीक हो जाए। फिर हम इसमें सेवियां डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। फुल क्रीम दूध लेंगे हम, पानी वाला दूध बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और जैसे ही हमारी सेवियां भून जाएंगी हम दूध में ऐड कर देंगे। दूध को पहले ठीक कर लेंगे क्योंकि सेवियां डालने के बाद बहुत जल्दी सेवियां पक जाती हैं, तो इसलिए पहले ही दूध को ठीक कर ले चला चला के, उसके बाद सेवियां इसमें डालें। और इसके साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। जैसे ही सेवियां डालें उसी टाइम पे हम इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। और इसमें ड्राई फ्रूट को पहले भिगो के रखा जाता है पानी में 3 से 4 घंटे, तो कम से कम ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हो आप। पानी में भिगो के रखा जाता है और उसके बाद उसी ड्राई फ्रूट को या तो आप डायरेक्ट पीसेज में कट करके डाल सकते हो या फिर हल्का घी में भून के भी डाल सकते हो, जैसे भी आपको चॉइस के अकॉर्डिंग। इसमें पीसेज में कट करके ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। इसमें भीगा हुआ ड्राई फ्रूट डालना जरूरी है। और उसके साथ ही हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे बटरस्कॉच सॉस। बटरस्कॉच सॉस डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल रबड़ी के जैसा आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के तैयार हो जाती है बटरस्कॉच सॉस थोड़ा सा डाल देने से। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे चीनी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा बॉयल आने तक पका लेंगे। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है ये, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसके बनने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए, इस तरीके से दूध को थोड़ा सा पहले ठीक करने में टाइम लगता है, उसके बाद तो सेवियां डालने के बाद तो बिल्कुल 5 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती है, झटपट बन जाती है। तो आप ज़रूर इंजॉय कीजिए शीर कुरमा की रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी बनती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।